लिंक जो है वो कैप्चर हुआ, एप्रीहेंडेड हुए उसमें दो लोग जो कि ज्वाइंट इसको ऑपरेशन था, उंच पुलिस एसओजी सारे ग्रुप्स का और इंडियन आर्मी की तरफ से रोमियो फोर्स का। तो एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है पुंछ में कि जो कि कबल एक साल पहले के अरसा में यहां पे ऐसे ग्रेनेड्स अटैक्स हुए जो रिलीजियस प्लेसेस पे, तो आज उसकी सारी जो वो गुत्थी है सुलझा दी गई है। तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? जैसे कि आपको ये मालूम है कि हमने एक ज्वाइंट ऑपरेशन इस इलाके में हमारा इसमें कि पुंछ पुलिस आर्मी सीआरपीएफ के सभी अहलकार, इसमें दो आतंकवादियों को हमने गिरफ्तार किया है और उनसे कुछ असला और एम्यूशन की बरामद भी हुई। जब उनसे हमने और पूछताछ की तो हमें ये पता लगा कि ये एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है और इन आतंकवादियों ने पुंछ में जो दहशत का माहौल पैदा करने की कोशिश की थी, जैसे कि आपको पता है कि एक साल से पुंछ में ग्रेनेड के हादसे देखे गए। हमने ये भी देखा कि एक मंदिर पर भी ग्रेनेड लॉब किया गया, आर्मी लोकेशन पर लॉब किया गया, हॉस्पिटल में लॉब किया गया, गुरुद्वारे में लॉब किया गया। तो इसका एक इंडिकेशन ये भी था कि जो हमारे पुंछ का एक सौहार्द कम्युनिटी का आपस में एक तालमेल है उसको भी खराब करने की इसमें कोशिश की गई। इसकी मंशा यह भी रही कि जो पुंछ का एक अपना सोसाइटी का बैलेंस है उसको डिस्टर्ब करने का। इसके अलावा इन्होंने पुंछ में एंटी नेशनल पोस्टर्स का भी चस्पान किया। जो एंटी नेशनल पोस्टर थे उनसे एक दहशत का माहौल पूरी कम्युनिटी में फैलाना, ये इनके मंसूबे में शामिल थे। तो लिहाजा ये जब गतिविधियां हुई इसमें एक सस्टेन तरीके से इलाके में सभी ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया, ये दो आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई, इससे ये सारे ही मसले हमारे जो हैं ये ग्रेनेड ब्लास्ट के जो मसले इलाके में हुए हैं, ये इलाके में हमारे ये सारे मसले जो है वर्कआउट हुए हैं, ये केसेस सॉल्व हुए हैं और इसमें हमारी जो इनकी जो फंडिंग हुई है उसके संदर्भ में अभी इन्वेस्टिगेशन और भी जारी है। क्या इसमें ये महसूस हो रहा है कि इन टेरर लिंक्स जो एप्रीहेंडेड हुए हैं ये पर्सन जो जिम्मेवार हैं ग्रेनेड अटैक्स के और टेरर फंडिंग का भी जैसे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इनके लिंक्स अक्रॉस द बॉर्डर नजर आ रहे हैं जो इनपुट्स आ रही है? कुछ इनपुट्स रेस करते हैं अक्रॉस से, इस संदर्भ में भी हमें सूचनाएं मिली हैं, इनके लिंक्स मिले हैं और अभी उस पर हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। साल तक ये कामयाबी आप देख रहे हैं? ये पुंछ पुलिस के लिए और सभी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, आर्मी सीआरपीएफ सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी कामयाबी है। आतंकवादी घटनाएं यहां पर आतंकवादियों ने जो कि बाहर के मुल्क की उन्होंने की, लेकिन ये घटना जो थी यहां के लोकल थी, लिहाजा ये लोकल रिक्रूटमेंट जो हुआ उस संदर्भ में हमने ये बड़ी कामयाबी पाई है कि इसमें इन आतंकवादियों ने जो ये घटनाएं की थी, इसमें जो मॉड्यूल के पीछे लोग थे जो इसकी गतिविधियों में शामिल, जम्मू एंड कश्मीर गजनवी फोर्स की तरफ से जो शामिल हुए थे उनको हमने पकड़कर इन केसेस का सॉल्व किया। इनसे ये जो मामले हैं जो मैंने आपको बताए हैं इन सभी मामलों में अभी पूछताछ चल रही है और इन मामलों का खुलासा हुआ है कि ग्रेनेड इन्होंने लगाया। सर, सिक्योरिटी फोर्सेज का इतना इफेक्टिव जो इस तरीके से चीजें हो रही हैं और पहले जो धरपकड़ होती थी बहुत ज्यादा होता था लेकिन इस बार पर्टिकुलरली केसेस पे हो रहा है, तो इसे आप कैसा एक तालमेल मानते हैं या एक सिक्योरिटी फोर्सेज जो हाईटेक हो गई है? इसमें जो हमारे जो अपर ग्राउंड वर्कर्स हैं इलाके में, खासकर जो एक सपोर्ट बेस है टेररिस्ट का, आतंकवादियों का एक सपोर्ट बेस है, उस पर हमारा एक अभियान काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और इसमें और भी हम तेजी ला रहे हैं। इनकी जो प्रॉपर्टियां हैं, जो लोग इनकी मदद कर रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी और अटैचमेंट के लिए भी बदस्तूर हमारी कार्रवाई रजौरी और पुंछ दोनों में ही जारी है और ये आगे भी जारी है। इसमें जैन साहब हालिया इलेक्शन हुए उससे पहले श्री बुढ़ा अमरनाथ यात्रा थी जो कि बहुत चैलेंज थे अक्रॉस द बॉर्डर और हिंटरलैंड से भी, और एक चीज देखी गई है जहां पे ज्वाइंट एफर्ट्स की अभी बात हुई है कि रोमियो फोर्स हिंटरलैंड के अंदर इंडियन आर्मी की और आपकी पुलिस पुंछ रजौरी रेंज के अंदर,
एक वाकया एक जॉइंट एफर्ट्स देखे गए जिससे कि इतनी बड़ी इनपुट्स थी कि इसको डिरेल किया जाए यात्रा को भी और इलेक्शन को भी, और उसमें एक कामयाबी देखी गई है कि पीसफुल तरीके से सब कुछ कंडक्ट हो गया। ये जो हमारे सामने चैलेंज रहा है यात्रा का, चुनाव का, ताकि एक पीसफुल कंडक्ट हो, इसमें हमारा पूरा एक कोऑर्डिनेशन रहा है, समन्वय सभी के साथ रहा है, आर्मी के साथ, सीआरपीएफ के साथ, एसओजी के साथ, पुलिस के साथ, और सभी ने मिलकर इसमें बड़ी मेहनत की है ताकि हम अपना एक चुनाव को, बाकी प्रक्रिया जो आम चल रही होती है उनको भी हम पीसफुली कर सकें। सर आज भी हमें देखा जाता है कहीं ना कहीं संदिग्ध जो है मूवमेंट देखी जाती है, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिल रही है, क्या लगता है कि इससे भी बड़ा फायदा होगा? इसमें लगातार हमारे ऑपरेशन जारी है इनके खिलाफ और जल्दी करेंगे। सर कोई ऐसा मैसेज जो आप देना चाहें इसमें इनके खिलाफ, जो इनके जो सपोर्ट बेस में लोग हैं इनके खिलाफ हमारी कार्रवाई बदस्तूर जारी रहेंगी, और इनके खिलाफ जो ये आतंकवादी इलाके में है इनके खिलाफ हमारी गतिविधियां लगातार जारी।